नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कौन सा कलर आपको सूट करेगा, कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए। यदि आप वृषभ राशि यानी कि टॉरस आपका जोडियक साइन है, तो आप कौन सा कलर प्रयोग करें जिससे कि आपके जीवन में शुभता आ सके। यदि आप वीकडेज के हिसाब से कलर पहनते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत कलर प्रयोग करके पहनकर अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा लकी कलर रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर काफी सुख समृद्धि और यश प्राप्ति होगी। कलर का प्रयोग करने से होता क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, आपका भाग्य में बढ़ोतरी होती है और आपके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होता है। गलत यदि रंगों का प्रयोग करेंगे, तो आपका सबसे पहली बात क्या होगी कि आपकी पर्सनैलिटी उससे काफ़ी कम होगी, लोगों के ऊपर उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपके अंदर जो भाग्य कहते हैं हम जिसको, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि गलत प्लेनेट को स्ट्रोंग करके हम अपने जो दुश्मन प्लैनेट होते हैं उनको कहीं जाने अनजाने में मजबूत कर रहे होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर आपके लिए शुभ है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर वृषभ राशि के बारे में, यानी कि टॉरस के बारे में। यदि आपका साइन जोडियक साइन टॉरस है, वृषभ राशि है, तो आपको कौन से कलर प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं जोडियक साइन के बारे में। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो वीनस होता है, और वीनस का जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है, जिसको हम यदि आप वाइट कलर और वाइट कलर की शेड आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तो आपको अधिक लाभ होगा। वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र प्लैनेट के जो मित्र प्लैनेट होते हैं वो मरकरी होता है यानी कि बुध होता है, और बुध का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। यानी कि आप यदि ग्रीन कलर और ग्रीन कलर की फैमिलीज को ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। शनि और शुक्र भी आपस में मित्र हैं, यानी कि शुक्र का मित्र शनि भी होता है, और शनि का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। यानी कि आप अपने जीवन के अंदर ब्लैक कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, तो आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा आपको ध्यान देना होगा वृषभ राशि के लिए, यानी कि टॉरस राशि के लिए जो स्वामी है वो शुक्र होता है, और शुक्र ग्रह के जो दुश्मन प्लैनेट होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा होता है। सूर्य का कलर रेड होता है, यानी कि आपको अपने लाइफ के अंदर रेड कलर और चंद्रमा का कलर यानी कि वाइट का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इनका प्रयोग कम से कम करेंगे, तो आपके जीवन में काफ़ी सुख और समृद्धि आएगी। समग्रह यानी कि जो टॉरस राशि होती है जिसका स्वामी शुक्र होता है, उसका गुरु प्लैनेट सम होता है, यानी कि ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। इसलिए आप कभी कभार यदि आपको लगता है, तो आप येलो कलर की फैमिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर जो आपको बताया है, आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने ये जो कलर का प्रयोग आपको बताया वो किस आधार पर बताया है। यदि आप वीकडेज के हिसाब से पहनते हैं कलर, तो वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा कलर शुभ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी ये देखिए कि आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, आपकी दशा क्या चल रही है, आपका गोचर क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हाँ आप किस प्रोफेशन में हैं, यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कलर का प्रयोग करना है। यदि आपको नहीं मालूम कि आपकी राशि नक्षत्र दशा गोचर क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है,
आप वहां पर मुझे अपनी बर्थ डिटेल दें, मैं उस बर्थ डिटेल के आधार पर बताऊंगा कि आपकी राशि, दशा, नक्षत्र क्या है और उसके आधार पर आपको किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। हाँ, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, यदि आपकी कोई भी राशि है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12 राशियों के बारे में, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि, यानी कि एरिस से लेकर पाइसिस तक, मैंने सभी राशियों के बारे में, शुभ और अशुभ कलर्स के बारे में लिखा हुआ है। आप अपनी, अपने मित्रों की या फिर आपके जो भी मैं कहूंगा रिश्तेदार हैं, उनकी राशि के लिए कौन सा कलर शुभ रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।